हाय व्यूअर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे KFC स्टाइल फ्राइड चिकन की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। आसान फूड रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमने यहाँ पर 1 किलो चिकन के लेग पीस लिए हैं। ये जो लेग हमने लिए हैं, इन पर हमने इस तरह से गहरे कट्स लगा दिए हैं ताकि जो मैरिनेशन का मसाला है वो अंदर तक अच्छे से पहुंच जाए। अब हम चिकन के लिए मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम एक बोल में ऐड करेंगे 1 ग्लास पानी। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून नींबू के फूल। देखिए, ये जो नींबू के फूल है इसे टार्ट्रिक एसिड या फिर टार्ट्री भी कहा जाता है। ये आपको इजीली किसी भी किराने की दुकान पे मिल जाएंगे। अगर ये आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह 100 ग्राम दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून छोटी हरी मिर्च का पेस्ट और ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका यानी कि वाइट विनेगर। देखिए, आप यहाँ पर सिरके की जगह 2 टेबलस्पून नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे तैयार किए हुए मैरिनेशन में हम चिकन के पीस ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे ढककर फ्रीज में ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अगर टाइम की शॉर्टेज है तो आप इसे 4 घंटों के लिए फ्रीज में रख के भी मैरिनेट कर सकते हैं। ये देखिए, हमने इसे फ्रीज में रख के ओवरनाइट मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसमें से चिकन के पीसेस अलग निकाल लेंगे। ये जो हमारा मैरिनेशन का पानी है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका हमें इस्तेमाल करना है। तो इस पानी में हम ऐड कर देंगे 1 अंडा और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन की कोटिंग तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर 150 ग्राम मैदा लिया है और इस 150 ग्राम मैदे में हमने 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। इसी के साथ हम इसमें कोटिंग के लिए कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जैसे कि 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सूंठ पाउडर यानी कि जिंजर पाउडर, 2 टीस्पून ओरेगेनो और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। देखिए, इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर यानी कि गार्लिक पाउडर भी ऐड किया जाता है, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं था। अगर आपके पास वो अवेलेबल हो तो आप ज़रूर से ऐड करें। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन पर कोट करने के लिए यहाँ पर हमारी कोटिंग अच्छे से तैयार हो चुकी है। इसी के साथ हमारा जो मैरिनेशन का पानी है जिसमें हमने 1 अंडा ऐड किया था, इसे एक बार हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम चिकन के पीस को डीप करेंगे मैरिनेशन के पानी में और कुछ सेकंड तक हम इसे इसमें रहने देंगे। तकरीबन 5 सेकंड तक हमने इसे डीप करके रखा। अब हम इस पीस को ऐड कर देंगे हमारे कोटिंग वाले बोल में और इस तरह से हाथों की मदद से प्रेस करते हुए हम चिकन पर दोनों तरफ अच्छे से कोटिंग को अप्लाई कर लेंगे। ये देखिए, एक बार हमने इस पर अच्छे से कोटिंग अप्लाई कर ली है। अब हम इसे फिर से इस पानी में डीप करेंगे। पानी में अच्छे से डीप करने के बाद हम इसे फिर से कोट कर लेंगे।
तो हमें हाथों की मदद से प्रेस करते हुए इस पर अच्छे से कोटिंग अप्लाई कर लेनी है। ये देखिए हमने इस पर अच्छे से दोनों लेयर अप्लाई कर ली है कोटिंग की। बाकी के बचे हुए चिकन पीसेस के लिए भी हमें सेम प्रोसीजर अप्लाई करनी है। मैरिनेशन के पानी में तकरीबन 5 सेकंड तक डीप करके रखेंगे, फिर चिकन के पीस को ट्रांसफ़र करेंगे कोटिंग वाले बोल में और हाथों की मदद से प्रेस करते हुए हम इस पर कोटिंग को अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। एक बार इस पर कोटिंग अच्छे से अप्लाई हो जाए फिर से डीप करेंगे हमारे मैरिनेशन वाले बोल में और फिर कोटिंग की दूसरी लेयर भी हम इस पर अप्लाई कर देंगे हाथों की मदद से प्रेस करते हुए। तो इस तरह से हमने चिकन के पीसेस को अच्छे से कोट कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। देखिए चिकन को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर तेल अच्छे से गरम कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और एक एक करके इसमें चिकन के पीसेस ऐड करेंगे। अब हमें लो फ्लेम पर एक तरफ से चिकन को 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। एक तरफ से लो फ्लेम पर 10 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए इसकी साइड्स को चेंज करने में आप जल्दबाजी मत करिएगा, नहीं तो इसकी कोटिंग उतर जाएगी। तो यहाँ पर हमने टोटल 20 मिनट के लिए इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसे तेल में से निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए चिकन के पीसेस को भी तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे और फिर इसे डिश आउट कर लेंगे। तो खाने के लिए तैयार है KFC स्टाइल फ्राइड चिकन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।